हाय, मैं हूँ स्वप्ना और आप देख रहे हैं स्वप्ना कुकिंग शो। आज हम बनाने जा रहे हैं नए साल के मौके पे सरसों का साग, जो कि ये डिश है पंजाब की। ये स्पेशली ठंडी के मौसम में बनाई जाती है। सबसे पहले आपको लेने हैं सरसों के पत्ते, जो कि मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। काफ़ी लोग सरसों के साग बनाने के लिए हैं सरसों के साथ पालक का भी यूज़ करते हैं, पर आज हम सिर्फ सरसों का ही यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि सिर्फ सरसों के पत्ते यूज़ करने से सरसों का जो एक अलग फ्लेवर आएगा वो काफ़ी अलग और खुशबूदार होगा। तो चलो बना लेते हैं हम सरसों का साग। तो सबसे पहले हम बर्तन में लेंगे पानी और इसको करेंगे हम बॉईल। हमारा पानी तो बॉईल हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे पिंच ऑफ बेकिंग सोडा एंड हाफ टेबल स्पून शुगर। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि पत्तों का कलर बरकरार रहे। तो चलो फटाफट हम पत्तों को इस पानी के अंदर डाल देते हैं। थोड़े पत्ते नरम होने तक इसको हमें बॉईल करना है। जैसे ही पत्ते थोड़े नरम हो जाए हमें इसमें ऐड करना है ग्रीन चिली। अब आपको पत्तों को स्ट्रेनर में निकाल लेना है और उसमें ठंडा पानी ऐड करना है। अब आप सोचेंगे ठंडा पानी क्यों, तो आपको इसका रीज़न बताती हूँ। ठंडा पानी डालने से जो कुकिंग प्रोसेस होती है वो रुक जाती है। तो चलो फटाफट से हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं, तब तक आप भी इसको ग्राइंड कर लो। हमें इसका स्मूथ पेस्ट नहीं बनाना है, दरदरा रहेगा तो अच्छा लगेगा। नाउ यू कैन सी कितना अच्छा हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है। तो चलिए हम तड़के का प्रिपरेशन करते हैं। अब हम एक कढ़ाई में सरसों का ऑयल लेंगे। आप चाहो तो नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं रिकमेंड करूँगी कि आप सरसों का ही ऑयल यूज़ करो। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे रेड चिली, उसके तुरंत बाद ही हम डालेंगे इसमें लहसुन। को हमें क्रिस्पी करना है। क्रिस्पी होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड ऑनियन। ट्रांसपेरेंट होने तक ऑनियन को फ्राई करना है। चलो अब हमारे ओनियन ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं, अब हम डालेंगे चॉप अदरक। अदरक को कभी भी ज़्यादा फ्राई किया नहीं जाता, नहीं तो अपना कड़वापन छोड़ देता है, इसलिए हम अदरक को थोड़ा सा ही फ्राई होते ही इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिली। उसके बाद हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून मक्के का आटा। आपको ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो आपकी सब्ज़ी स्टिकी हो जाएगी। आप देख सकते हो कि हमने मक्के का आटा अच्छे से भून लिया है। अब बारी आती है हमने जो पेस्ट बना के रखा था उसको ऐड करने की।
हम इसको मीडियम फ्लेम पे 5-6 मिनट तक अच्छे से पका लेते हैं। हमारा जो सरसों का साग है वो पक गया है। नाउ वी ऐड सॉल्ट एज पर योर टेस्ट। अब हम सब्जी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमारी सब्जी तो रेडी हो चुकी है, पर इसमें और एक तड़का लगेगा जो हमारे सब्जी को चार चांद लगाएगा। तड़के के लिए हम पैन में ऑयल गरम कर लेंगे। ऑयल गरम होते ही हमें इसमें डालना है लहसुन। लहसुन अच्छे से फ्राई करना है। लहसुन फ्राई होने के बाद हमें इसमें ऐड करना है हींग। डालते ही हमें तुरंत ही गैस ऑफ करना है। गैस ऑफ करने के बाद हम ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर। हमारा तड़का रेडी हो चुका है। अब हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे सरसों के साग में और तुरंत ही हमको ढक्कन लगाना है। हमारा सरसों का साग रेडी हो चुका है। चलो अब बारी आती है इसको टेस्ट करने की। अब हम इसको टेस्ट करते हैं मक्के की रोटी के साथ। तब तक आप देखते रहिए स्वप्नास कुकिंग शो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।